हेलो तो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग गाइस, आपका हमारे व्लॉग में स्वागत है। आज से फिर से आपके लिए नया व्लॉग लेके आए हैं। इधर पास आजा थोड़ा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको डेली रूटीन, SCM की जो डेली रूटीन प्रक्रिया होती है। देख रहे हो आप सभी, हमारी गाइस नहीं है, अभी मार का लगने वाला है। तो देखो, सबसे पहले SCM आज रूटीन की बात करते हैं, हम दिनचर्या की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा मार्का लगता है 6:30 बजे, तो उसके लिए हमको 6 बजे उठना पड़ता है। उसके लिए नहा धो के फ्रेश होके, या फिर जो ऐसे भी जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ग्राउंड में पहुंचना पड़ता है, सबसे पहले यहाँ फालन होता है, फिर हमारा ग्राउंड है PT ग्राउंड, उसमें पहुंचना पड़ता है। फिर उसके बाद उसके बाद हमारा झंडा उतर रहा है, उसके बाद हम PT ग्राउंड में पहुँचते हैं। तो देखो, अभी हमारा ग्राउंड की सीटें भी सील बच चुकी है, तो ये सब यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। सबको ये जरूरी होता है, ये पार्ट ऑफ CRP का पार्ट है, ये मार्का पूरी नफरी एक हो जाती है। तो फिर सबसे पहले, फिर वहाँ से आने के बाद हमारा ऑफिस रहता है 9:30 बजे का SCM का। फिर उसके बाद खाना वाना होके फिर 12:30 बजे लंच हो जाता है। फिर उसके बाद पहुँचते हैं वापस, फटिक भी होता है। और फटिक का आपको ये रीजन रहेगा, ये क्यूरी रहेगा, आप फटिक का आंसर बताना है, फटिक का मतलब क्या होता है। तो गाइस, फिर देखो, दोपहर के बाद लंच मिलता है। उसमें लंच में आपको 2 घंटे का विश्राम रहता है। लंच में 2 घंटे का विश्राम करने के बाद आपका ऑफिस रहता है 2:30 बजे से। तो क्योंकि अभी RT है, तो 2 घंटे का रिकॉप रहता है। फिर उसके बाद ऑफिस का वर्क रहता है 5:30 तक। फिर 5:30 तक वर्क रहता है। फिर अभी क्या है, हमारे थोड़ा यहाँ पे ऐसे चल रहा है, तो अभी क्या है, थंबनेल हमारा लगा दिया गया है। तो जाओ तब एंट्री होता है, और तब भी एग्जिट करते हैं, तब भी हमारा वो लगता है। फिर उसके बाद 6 बजे हमारा ऑफिस से आने के बाद 6 बजे हमारा फालन होता है, मार्का लगता है। उसमें सभी की काउंटिंग होती है। सभी की काउंटिंग होने के बाद, इसकी हम बात कर रहे थे, वो ग्राउंड की PT की सुबह यहाँ पे होता है, इस PT ग्राउंड में। क्योंकि अभी नियर रेडी हुआ है, तो इसमें हमारे लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक रनिंग होती है। फिर उसके बाद इधर PT होती है। PT होने के बाद इधर एक्सरसाइज किया जाता है, योगा करवाया जाता है, और जो भी एक्सरसाइज है पूरी के बॉडी वार्म अप का, तो पूरी चीज़ें करवाई जाती है। और सामने वो अपना ग्राउंड देख रहे हो, तो इसमें अपने जो भी नेशनल चीज़ें होती है, आर्मी से रिलेटेड, बेल्ट से रिलेटेड, जितनी भी फोरम की एग्जाम की, जो भी एग्ज़ाम की रनिंग की, तो वो यहीं पे की जाती है। क्योंकि मैं यहाँ पे देखे जा चुका हूँ पहले, और फेल भी हुआ था, फिर उसके बाद सेलेक्ट हुआ किसी और में। तो ये चीज़ें हैं। फिर अपने 6 बजे हो जाती है क्लोज मार्का, फलन का काउंट होने के बाद फिर चालू होता है। जैसे देखो, अभी हम आ चुके हैं हमारे फलन से, हमारा फलन कंप्लीट हो चुका है, पूरी काउंटिंग होना ज़रूरी होती है। तो हम वहाँ पे काउंटिंग करा के अभी यहाँ आ चुके हैं, क्योंकि काउंटिंग में अगर 1-2 गाइस भी मिस हो जाते हैं, तो उनका रिपोर्ट ली जाती है, और फिर से जो भी कार्रवाई की जाती है, वो उनके हिसाब से, हमारे अधिकार लेवल के, उनके हिसाब से करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर आके, और जैसे अब थोड़ा टाइम मिलता है हमारा 7 बजे, क्योंकि हमारा खाना चालू होगा 7 बजे, तो उससे पहले हम थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट मिलता है। क्योंकि आज वैसे भी सैटरडे है, तो कल संडे है, तो हमारा फ्री डे है, तो उसके लिए आज हमारे लिए अलग से थिएटर, ओपन थिएटर में जो अभी दिखाया था, उसमें मूवी लगती है। सभी जो भी हमारे यहाँ पे रिक्रूट हैं, या फिर जितने भी अधिकारी हैं, जो भी जितने स्टाफ मेम्बर, कोई भी देखना चाहो, उन सभी के लिए खुला रहता है। तो वो चीज़ें हैं, और आपको पूरा प्रोसेस बता ही दिया। ये रहता है सुबह, जैसे यहाँ पे ग्राउंड में PT फलन आना ज़रूरी है, और फिर वहाँ 1-2 घंटे की 2 पीरियड चलते हैं हमारे, मतलब 1-1.5 घंटा लगभग। तो उसमें रनिंग वगैरह, PT वगैरह सब कुछ होने के बाद, फिर हमारा सुबह रहता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो भी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह, थोड़ा ब्रेकफास्ट 1 घंटे का, वो उसमें रेडी हो आके ना दो फिर। फिर हमारा ऑफिस रहता है 9:30 बजे से। फिर हम जाते हैं 9:30 बजे ऑफिस। ऑफिस के बाद जो बताई दिया आपको, थंब बम लग के जो सारी चीज़ें कंप्लीट होके, और फिर हमारा लंच हो जाता है 1 बजे समथिंग, और फिर वापस 1-1.5 घंटे का लंच रहता है। फिर उसके बाद वापस ऑफिस जाना रहता है। फिर उसके बाद हमारा 5:30 बजे या 6 बजे समथिंग हमारा ऑफिस छूटता है। फिर होने के बाद वही रूटीन प्रोसेस, ये डेली रूटीन चलता रहता है। और ये जितने भी GC हैं, या जितने भी CRPF में रिक्रूट होते हैं ऑल, उन सभी के लिए सेम यही प्रोसेस रहता है। जितने भी ऑल इंडिया में अपने, तो उनके लिए यही रहता है। तो ये SCM या फिर जितने भी RT के रिक्रूट होते हैं, SSGD, SIS, और जितने भी कोई से भी, सभी के लिए सेम प्रोसेस रहता है। तो ये था गाइज, तो इन सभी के लिए हमारे चैनल को। तो गाइज, ये थे हमारा डेली रूटीन, जो हमारे साथ यहाँ पे, हम जो मैं खुद कर रहा हूँ यहाँ पे, वो सभी के साथ नॉर्मल प्रोसेस रहता है। तो अब हम इसको शॉर्ट प्रोसेस, जैसे मैं विलीनी व्लॉग भी आएगा हमारा, तो उसके जरिए आपको दिखाएंगे, क्योंकि डेली डेली तो शूट नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकता।
तो आप देखते रहे हमारा चैनल और इसको कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे तो इसको देख भी लीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। तो बगल में है ना प्रेस आइकन, इसको दबा दिए और इसको कीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में फिर नई चीज़ों के साथ, नई नई तो के साथ आपको बताते हैं। बाय सभी के लिए, और एक बार सभी को जय।